हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। देखो पिछले वीडियो में अपन ने ये परीक्षा संबंधी क्वेश्चंस का क्या बेस है, किस तरह से उनको अपन सॉल्व करेंगे, कैसे दोनों तरफ अपन पास पास करेंगे, है ना। लेफ्ट साइड में भी अपन पास वाली इक्वेशन सेट करेंगे और राइट साइड में भी पास वाली इक्वेशन सेट करेंगे। ये आपने देखा पिछले वीडियो के अंदर। अपन एक बार आगे बढ़ते हैं उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से। लास्ट वाले वीडियो में जो एग्जाम्पल नंबर 15 देखा वही अपने क्वेश्चन नंबर 120 है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर जो 16 देखा था वो क्वेश्चन नंबर 121 है। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 120। जो एग्जाम्पल 15 देखा वही है 120। ये लो क्वेश्चन नंबर 120। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, है ना, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा अपन को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मतलब पास की तरह उसको सेट करना है क्वेश्चन को, दोनों इक्वेशन को। 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए थे, वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक मतलब जो टोटल था परीक्षा का 100% जो था वो कितना है, ठीक है। तो 36% तो लाने थे, 24 वो लेके आया, है ना, और 9 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब 24% और 36% के बीच का जो गैप है वो 9 है, तो वो तो शॉर्टकट है, उसके ऊपर कर सकते हैं। बाकी इस तरह के क्वेश्चन को अपन को ये एक्स वाली विधि से करना है ना, क्योंकि इसी के अंदर एक दूसरे प्रकार आएगी, अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, उसमें ये शॉर्टकट फेल हो जाता है 100% वाला, कि 8% का डिफरेंस, 8% का मान दिया हुआ है, सॉरी 12%, 24 से अपने 36% अपने 6 और 6 12% का मान दिया हुआ है 9। तो ये समझ के रखो, ये इजी कॉन्सेप्ट में तो निकल जाता है इससे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाएंगे तो नहीं होंगे। तो जैसे अपन ने पिछले कॉन्सेप्ट देखे थे, अपन ने मूल्य, खपत और खर्चा, तो उसमें टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं अटका, ऐसी इस वाली विधि से कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, है ना। एक्स मान के इनको करना अपने क्वेश्चंस को, आ जाओ, है ना। तो लेट पूर्णांक बराबर एक्स, जो टोटल नंबर जो थे परीक्षा जितने नंबर की थी वो अपन एक्स मान लिया। अब ये दोनों तरफ अपन पास पास सेट करेंगे, इधर भी पास है और इधर भी पास है, और बराबर में बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है ना। इक्वल टू का मतलब इक्वल टू ही होता है कि दोनों साइड बराबर हैं। तो 5% इधर तो अपन ने क्या बनाया, एक्स का 36% और दूसरा एक्स का 24% वो लेके आया, लेकिन 9 अंकों से फेल हो गया। तो यदि उसके 9 अंकों से फेल हो गया तो कहने का मतलब यदि उसके 9 अंक और आ जाते तो सन्नी पास हो जाता है कि नहीं बेचारा, ठीक है। तो बोर्ड का वैसे ही फोबिया होता है, तो इसको भी अपन ने 9 अंक और दे दिया और उसको पास कर दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो गए ना। कहने का मतलब एक्स के 24% में 9 जोड़ते ही वो एक्स के 36% के बराबर हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये चीज़ समझनी है, बस फिर तो काटा पीटी है, फिर तो क्या दिक्कत है। ये वही क्वेश्चन हो गया कि एक्स का जो 36% है वो उसके 24% से 9 ज़्यादा है, जो सबसे पहले प्रकार किए थे। एक्स का 36% उसके 24% से 9 ज़्यादा है, एक्स का 36% उसके 24% से 9 ज़्यादा है। आगे वही अब तो सेट करना है बस। तो 36x बटा 100 माइनस 24x बटा 100 बराबर 9, ठीक है। एलसीएम लिया 12, 36 में से 24 घटाया आगे, एलसीएम लिया 100, 36 में 24 घटाया आगे 12x/9। एक्स का मान निकालने के लिए 9 × 300/12 सॉल्व किया तो 75 आ गया। काट दिया अपन ने 3 × 3 = 9, 3 × 12, 4 से काट दिया, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 और 3 × 5 = 75, आंसर बी आंसर 75 आंसर है इसमें, 75, है ना। और दूसरा तरीका क्या था कि 12% का मान दिया हुआ है 9, 12% कैसे कि 24 से चल के 36 तक आएंगे, तो 36 − 12 = 12% का मान है 9, 1% का मान हो जाएगा, 1 पे आने के लिए हमेशा भाग देते हैं, 9/12, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 9/12 × 100 सॉल्व करेंगे तो वही 75 आ ऐसे, ठीक है। ये तो इजी प्रकार है, तो इजी प्रकार जो है उसको अपने को ताकत बनानी है, ठीक है ना। ताकत तो सभी बननी है धीरे धीरे, रिविजन करोगे तो अपने आप बनती जाएगी। 120 नेक्स्ट देखते हैं। 121 एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक लिए लाया वो, है ना, और वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30% लेके आया तो 45 अंक उसे कम पड़ गए पास होने के लिए बेचारे के। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, प्राप्त 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे, है ना। तो देखो कहाँ एक तो बेचारा 45 नंबर से फेल हो गया और कहाँ दूसरा वाला जो था 45 नंबर से पास हो गया, ठीक है। पहले वाले ने 30% अंक प्राप्त किए थे, दूसरे वाले ने 42% अंक प्राप्त किए थे, 30% जिसने अंक प्राप्त किए थे वो 45 से फेल हो गया, 42% जिसने अंक प्राप्त किए वो पास होने के लिए जितने नंबर जाए थे उससे 45 नंबर ज़्यादा आए। ये तो बेचारा गरीब है, हैं 45 कम पड़ गए, ये अमीर है, 45 ज़्यादा है इसके पास यार, एक नहीं है। तो 36% वाला कमज़ोर मतलब गरीब, 42% वाला ज़्यादा, उस पर ज़्यादा है,
है ना ये, और दोनों में आंकड़ा 45 का ही है, लेकिन वो 45 से कम गरीब है, ये 45 से अमीर है 42% वाला। तो अपन तो क्या करते हैं, इस पहले वाले की गरीबी मिटा देते हैं और दूसरे वाले की अमीरी मिटा देते हैं। पहले वाले का जो डफरपन है ना वो मिटा देते हैं, उसको दे देते हैं, और दूसरे वाले का जो ज़्यादा सिंसियरपन है उसका वो ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं, और दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों पास पास वाली स्थिति में बना देंगे कि दोनों बिल्कुल क्वालिफाई हो जाए, ऐसे है ना, मतलब क्वालिफाई मतलब जस्ट पास हो जाए, जस्ट पास बता रहा हूँ। तो एक्स के जिस 30% था उसको 45 अपन ने दे दिए तो वो पास हो गया, और जिसके एक्स के 42% आए थे उससे 45 ले लिए अपन ने तो वो भी जस्ट पास हो गया, है ना भाई। 45 जब तक इसके पास थे तो ये अधिक थे इसके पास, ये अधिक थे 45, पास होने से 45 अधिक थे इसके पास, तो जो अधिक थे वो दे दे है, ये बरोबर कर दिया उन्होंने दोनों को, समानता लिया है कि नहीं है। आर्थिक समानता तो देखते हैं अपन, वैसे देखो आर्थिक समानता लिया है ना, उसमें 45 रुपये तेरे पास, एक तेरे पास कम पड़ रहे थे बेचारे के पास, एक के पास 45 रुपये कम पड़ रहे थे, तो उसको तो देखे उसको अमीर बना दे, बिजनेस पास कर दिया, जिसके पास ज़्यादा थे उसे ले लिए, ठीक है आप तो सॉल्व करना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा बताओ मेरे को। तो सॉल्व किया तो ये आ गया 30x/100 + 45 - 45x/100 - 45, तो दोनों ये पास हो गए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे अपन, तो वो आ गया क्या कि 30x मतलब सॉल्व करने दो, क्या ये 42x हो गया, ये 30x हो गया, ठीक है। अब अपन इसको 30 को इधर लेके जाएंगे, तो अपन ने ये कर दिया क्या, 42 में से 30 घटाए तो 12 आ गए, और दूसरा जो है ना ये 45 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, तो ठीक, तो ये हो गया 12x/100 = 90, ठीक है ना। कैसे कर लो, जैसे मान लो इसको इधर लेके आओगे ना आप, जैसे इधर लेके आओगे इस 42x को इधर लेके आओगे तो नो डाउट ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 12x/100 आएगा, ठीक है। और इस प्लस एक्स को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो माइनस 90 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 12x/90 आ गया, काटा पिटी करेंगे तो अपन ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 90 × 100 / 12 काट दिया अपन ने, ठीक है, काटा तो अपन ने 3 से काट दिया, 3 × 12 3 × 3 = 9 + 0 4 से काट दिया 25 और 750 आंसर आ गया। तो 750 कहते पूर्णांक थे, है ना 750। अब उसको मतलब एक्स का मान है पूर्णांक, अब उस क्वेश्चन ये है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए थे, तो दोनों पास पास हैं तो कैसे निकाल लो, ये भी उत्तीर्ण हुआ है जस्ट और ये भी उत्तीर्ण हुआ है जस्ट, तो एक्स के मान से किसी भी वैल्यू निकाल लो। तो अपन ने एक्स 750 का 30% निकाल लिया और उसमें 45 जोड़ दिया, ये वाली कंडीशन में निकाला तो ये 00 कट गया, 25 थी मतलब 75 को अपन ने 3 से गुणा किया तो आ गया 225, 75 150 225 है ना, ये आ गया जो कट गया, तो 45 अपन ने जोड़ दिया तो ये 4 और 60 हो गए, 10 हो गए, है ना 70 हो गए, तो 270 आंसर आ गया, 270 क्या आया, 270 पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे वो आए, ठीक है। और 750 क्या है, 750 पूर्णांक है टोटल इतने में से, जैसे मैं लिखते ना कि 100 में से 45 नंबर आए ये, तो 100 पूर्णांक है और 45 प्राप्तांक है, और जो पास होने वाला प्रतिशत होता है जितना भी, जैसे 70% जो रखा वो उत्तीर्ण प्रतिशत है, ठीक है। कंपेटिवली क्वेश्चन ईजी है, ताकत बनाना है इनको, ज़्यादा सोचना नहीं है, सॉल्व करते जाना है, गलती पकड़नी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसके 190 नंबर आए लेकिन वो 35 से फेल हो गया, है ना। अब ये यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन चालू हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है सारा, बस पास रखना अपने को, है ना। यहाँ पे अपन प्रतिशत वाला सिस्टम रखते हैं तो कंपेटिवली वो काम नहीं करता है, तो एक्स वाला हमेशा काम करेगा, ठीक है। 190 उसने प्राप्त किए तो वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा। पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या है कि 36% अंक लाने थे, 190 नंबर लेके आया तो वो 35 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो ये बोल रहा तो उस परीक्षा में कुल अंक है, मतलब पूर्णांक अपन को ज्ञात करने, कुल उत्तीर्ण नहीं कुल। पहले क्वेश्चन को समझो क्या है कि एक्स का 36% लेके आना था उसको, लेकिन वो 190 नंबर लेके आया और 35 नंबर से फेल हो गया। होता ही है प्रैक्टिकल लाइफ में, अपन जैसे देखते ही हैं, परीक्षा देंगे तो या तो पास होंगे फेल होंगे, फेल होंगे तो कुछ नंबरों से फेल होंगे, तो वो यही है कि 36% लाना था, है ना, लेकिन 190 लेके आया तो 35 नंबरों से फेल हो गया। अब इसको अब सोचो आप, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी एक्स का 36% वो पास हो गया, दूसरी क्या बनेगी, 100 नंबर लेके आया और अगर उसके 35 और आ जाते, क्या बोला मैंने, 35 और आ जाते,
क्या बोला मैंने, अगर उसके 35 और आ जाते तो वो क्या हो जाता, वेरी गुड, वो पास हो जाता। ठीक है, तो इसको पास कर दिया अपन, दोनों पास पास हो गए, बेस्ट फिर तो हो गई सर, बल्ले बल्ले कर दिया पास। x पूर्णांक मान लिया अपन ने, x x का 36% अपन ने देखा, x का 36% अपन ने देखा, तो ये हो गया पास। दूसरा पास कैसे किया अपन ने, 190 प्लस 35। ये भाई पहले अपन ने अभी तक क्या करते आए थे, इसे 190 का मान दिया हुआ था कि वो 28% अंक प्राप्त करता और 35 नंबरों से फेल हो जाता, अभी तक अपन ने ऐसा देखा था। अब जो प्रतिशत था उसका एग्जैक्ट उसने मान दे दिया कि वो तो 190 अंक प्राप्त किया और 35 नंबरों से फेल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेट कर दिया है। अब तो सॉल्व करना है, सीधी सी बात है, 36x/100 = 225, 100 से गुणा कर दिया, 225 को काटा पेटी करी तो काट दिया अपन ने 2 से 2 = 2 और नहीं 3 से काटा, 3 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, फिर 3 से काटा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर अपन ने 3 से काट दिया, 3 × 4 = 12 है ना, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। फिर अपने 4 से सीधा करें, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो ये आ गया 25 × 25, 25 को स्क्वायर, 625, ये आंसर हो गया इसके अंदर, 625। ठीक है, 625, 625 क्या पूर्णांक है, टोटल अंक जो उसको प्राप्त करने थे 625, ये आंसर हो गया 625, 625। ये ठीक है, ये था 122। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मक्खन की तरह है ये तो। एक व्यक्ति को परीक्षा में कुल अंक 45% प्राप्त करना था, कितना करना था, 45% तो उसको लेके आने थे, ओके ठीक है, 45% अंक उसको प्राप्त करने थे, और फिर वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 40% नहीं दिया, अनुत्तीर्ण हो गया, 45% पास करने थे, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है, इस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। देखो पहले तो 55% क्या है, ये तो पास होने के लिए जरूरी था, और अधिकतम का मतलब है टोटल पूर्णांक जो 100% पूछ रहा है। तो देखो 45% उसने पास किए, मतलब 45% प्राप्त करने थे उसको, ठीक है, और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, तो x का 45% निकालेंगे तो वो जो पास होने के लिए जरूरी वो आ गया। अब उसने 40 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है ना, 40 अंक इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 40 अंक से क्या हुआ। तो 40 अंक 45 उसने पास किए, प्राप्त किए ना 45%, तो 45% में अगर अपन 40 ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वो जस्ट पास हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 45 अगर ये 40 नहीं दिया हुआ था तो सिर्फ क्वेश्चन यूँ पढ़ने में आता है कि 45% अंक प्राप्त करता है और वो अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन कितने से अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक है ना, कितने से अनुत्तीर्ण हुआ, वो 40 से अनुत्तीर्ण हुआ। तो इस 45% के अपन अंदर अपन 40 अगर जोड़ दिया, 40 नंबर, तो वो पास हो जाएगा, और पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर जरूरी थे, 55% नंबर जरूरी थे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वही अपन को, वही इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक ही है कि दोनों तरफ अपन को कैसे भी करके जस्ट पास सेट करना है, पास नहीं जस्ट पास, क्योंकि पास और जस्ट पास के अंदर फर्क है। क्या जस्ट पास तो अपन ने किया कि एक्स का 36% है ना, और अगर पास करेंगे तो एक्स का अपन ने मान लो 42% + 25 का, तो पास तो वो भी है, पास नहीं करना, जस्ट पास, बिल्कुल वो उत्तीर्ण हुआ है, बस जितने उत्तीर्ण के लिए जरूरी थे ना उतने उसके आ गए, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक्स का 45% में अपन ने 40 जोड़ दिया तो वो पास हो गया, क्यों, क्योंकि उसको 40 नंबर कम पड़ रहे थे पास होने के लिए, 40 अनुत्तीर्ण हो गया, 40 जोड़ दिया बेचारा अमीर हो गया, और दूसरी तरफ अपन ने सीधे जितने चाहिए होते थे पास होने के लिए वो निकाल दिया, खत्म। अब तो सॉल्व भी करना है, एक्स का 45% माइनस एक्स का 55%, 10x/10 आ गया, 10x/100 = 40 है ना, ये आ गया 10x/100 = 40, 0 से 0 कट गया, एक्स का मान 400 आ गया, ये आंसर हो गया। 400 क्या है, पहले इसमें क्वेश्चन में देखा करो, 400 है क्या, क्या पूछा इसने, अधिकतम पूर्णांक पूछे, परीक्षा कितने कुल कितने नंबरों की थी, 400, ठीक है, ये 123 का आपने ये आंसर हो गया 400, समझ गए ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं 124, इजी इजी क्वेश्चन है, मक्खन है तो आ जाओ 124, आओ 124 क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, मतलब 33% आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, वहीं उसे 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से असफल हो गया, 125 लेके आया और 40 अंकों से वो फेल हो गया, लाने जरूरी कितने थे लाने, 33% लाने थे, तो एक तरफ तो अपन 133% रख दें और दूसरी तरफ अपन 125 में 40 जोड़ दें तो वो दोनों जस्ट पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जस्ट पास कर दिया।
लेट अधिकतम अंक पूर्णांक बराबर एक्स, ये पास हो गया, जस्ट पास हो गया एक्स का 33%। दूसरी तरफ 125 में 40 जोड़ दिया तो वो भी जस्ट पास हो गया। फिर तो क्या बचा, 33/100 बराबर 165 काट दिया अपन ने 33 से काट दिया सीधा, है ना, 11 से बढ़ा, लेकिन 33 से काट दिया। 33 का देखो पढ़ा है आदमी, लेकिन क्या इकाई का अंक 5 लेना है यूनिट प्लेस पे, इधर 3 है तो यूनिट प्लेस पे 5 कैसे आएगा, 5 से गुणा करने पे आएगा 3×5=15 ऐसे, तो 5 से गुणा करके दिया 3×5=15, 3×5 और 16 165, 33 से 5 बार कट गया। 11 से भी काट सकते थे, 11 3 33, 11 11 11 5 55, फिर 3 से कट गया 3 1 3 3 3, कोई दिक्कत हुई है, और फिर गुणा कर दिया एक्स का मान आ गया 500, ये आंसर हो गया 500, खत्म। ईजी है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बस, एक का 500 हो गया, ठीक है 124। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 आ रहा हूँ थोड़ी रहा, ये लो 125, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, करो पॉज करो और करो।